हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 2। और ये है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, दो ही लेक्चर में ये कवर होने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट स्टेटस, फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है, कहां, कैसे, किस रूप में आज कल आ गई है, और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी स्कोप हम कह सकते हैं कि इसको किस किस फील्ड से हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो कौन कौन सी फील्ड से जुड़ गई हैं, जहां पे किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करें, तो आप स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो क्या कह रहा है, फार्माकोग्नोसी इज क्रिटिकल इन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस, ठीक है ना। क्रिटिकल इज क्रिटिकल, निर्णायक है। क्रिटिकल मतलब, क्रिटिकल मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, निर्णायक, कोई चीज निर्णायक, जो निर्णय ले, जो निर्णायक हो, जो डिसाइड करे कि हाँ इसकी वजह से फर्क पड़ेगा। तो कह रहा है कॉग्नोसिस क्रिटिकल इन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस, कई सारे साइंस के अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग शाखाएं जो डेवलप हुई हैं, उनमें फार्माकोग्नोसी का रोल बड़ा ही क्रिटिकल है, निर्णायक है। अब फार्माकोग्नोसिस्ट, जो एक फार्माकोग्नोसिस्ट होता है, शुड पजेस अ साउंड नॉलेज ऑफ द टर्म, उसको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए शब्दों, टर्म्स जो शब्द इस्तेमाल होने वाले हैं, यूज टू डिस्क्राइब, जो यूज होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, द वेजिटेबल्स एंड एनिमल ड्रग्स, जो वेजिटेबल और एनिमल ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे शब्द जो फार्माकोग्नोसिस्ट इस्तेमाल होते हैं, उसका बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एज कवर्ड अंडर बॉटनी एंड जियोलॉजी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। यानी कि वेजिटेबल और एनिमल, वेजिटेबल वाले बॉटनी और एनिमल वाले जियोलॉजी के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होते हैं, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंट स्टेटस से देख लो यहां पर, अब क्या हो गया, प्रेजेंट स्टेटस में कौन आ गया हमारे पास, एक फार्माकोग्नोसिस्ट भी आ गया है। आज के समय में एक फार्माकोग्नोसिस्ट एक पोस्ट हो गई, ठीक है। आज के समय में क्या हो गया, जो फार्माकोग्नोसी क्रिटिकल है, कई सारी ब्रांचें निकल आती हैं इसके अंदर से, ठीक है। द नॉलेज ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। आज के टाइम पे नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी में उसमें क्या क्या आ गया, टैक्सोनॉमी जो पढ़ेंगे अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में, प्लांट की ब्रीडिंग एंड प्लांट पैथोलॉजी, कौन सी बीमारियों से प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं, एंड प्लांट की जेनेटिक इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ठीक है ना। यानी कि आज के समय में अब एक कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, ग्रो करने वाली टेक्नोलॉजी और मेडिसिनल प्लांट्स की बात कर रही है यहाँ पर, इसके अंदर आज के समय में ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, है ना। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हम आज के टाइम पे उसके टैक्स, मतलब प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट की जेनेटिक्स, ये सब चीजें भी उसके अंदर हम लोग मिला करके अब पढ़ने लगे आज के समय में, ठीक है। प्लांट केमिस्ट्री, हम लोग ने पिछले चैप्टर में हिस्ट्री पढ़ी थी, क्या उनमें ये सब बातें थी, नहीं थी। आज के समय में प्लांट केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट के अंदर की केमिकल्स की बात चल रही है, हैज अंडरगो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, एक काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो चुका है इन रिसेंट ईयर, कुछ हाल ही के सालों में, एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। फाइटोकेमिस्ट्री अलग ही ब्रांच हो गई है अब, इट इज कंसर्न विद एनॉर्मस वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस के बारे में कंसर्न ताल्लुक रखता है, दैट आर सिंथेसाइज्ड एंड एक्युमुलेटेड, जो बनाए जाते हैं और इकट्ठे होते हैं बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा, एंड द स्ट्रक्चरल एलिसिडेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, और इन सब्सटेंस का स्ट्रक्चर को इलिसिडेट करना, इनके स्ट्रक्चर को समझाना, ठीक है ना, ऑफ दिस सब्सटेंस। तो देखो फार्माकोग्नोसी के अंदर आज के समय में क्या क्या चीजें हो गई हैं, तो प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं, मतलब लगभग हर जगह फार्माकोग्नोसी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, प्योर करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं कि क्या क्या इसके यूज है, क्या क्या नहीं है, किसके, फाइटोकेमिकल्स के, फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन सिस्टम। तो अब फार्माकोग्नोसी में ये भी होने लगा है, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ कीमो टैक्सोनॉमी, केमिकल की भी टैक्सोनॉमी, कैटेगराइज करते हैं कौन सा केमिकल क्या नाम है उसका और किस कैटेगरी में आ रहा है। बायोजेनेटिक पाथवे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं, एक प्राइमरी होते हैं जिनकी वजह से जिंदा रहता है, एक सेकेंडरी होते हैं जो एक तरह के उनके वेस्ट होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर एंड अदर रिलेटेड फील्ड इज इसेंशियल फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में आजकल क्या है, ये सब चीजें भी आ गई हैं, कीमोटैक्सोनॉमी, बायोजेनेटिक पाथवे, ये सब चीजें फार्माकोग्नोसी में अंदर डाल दी गई है ताकि हम इसको और अच्छे से स्टडी कर सकें। वन शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग,
बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, अपने कोर्स में भी है, ठीक है, था पहले, मतलब आज के टाइम में तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ टर्म उससे हटा दिया गया है। इज इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब सीधी बात है प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रहा है वो, ठीक है। कुछ और बातें भी, अब जरूरी नहीं कि मैंने क्या लकी के फकीर बन जाओगे, यही नहीं, नहीं यही लिखना है, कुछ और बातें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, कुछ और चीजें जहां जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हाँ पास्ट के टाइम से और आज के टाइम में क्या चेंजेस आ रहे हैं फार्माकोग्नोसी में, हमारे पढ़ने से लेके उसको डील करने से लेके हर एक चीज में, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट स्टेटस हो गया एक तरह से। हम लोग इसमें कुछ और चीजें भी ऐड हो सकती हैं, करना चाहोगे कोई तुम्हारे दूसरे नोट्स हैं, मैं फिर बता रहा हूँ जो चीज मैं समझा दी है, कोई टर्म या लैंग्वेज तुम्हें टफ लगती है तो उसको अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं सर के ये नोट्स थोड़े डिफिकल्ट है मेरे पास जो है, या कहीं और से तुमने कहीं से कलेक्ट कर लें, तुमको आसान लग रहे हैं, सर ने समझाया समझ में आ गया लेकिन हमें कहीं और से कलेक्ट लिखना है, चॉइस है तुम्हारी बच्चों, समझाना मेरा काम है ताकि वो चीज तुम्हारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए कि इसके अंदर लिखना क्या है, इसके अंदर समझना क्या है। स्कोप की बात करें तो देखो स्कोप में क्या है, क्षेत्र एक तरह से कहां कहां फार्माकोग्नोसी करने के बाद, स्टडी करने के बाद हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखें, फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ओके, विच इज प्लेइंग की रोल, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है न्यू ड्रग डिस्कवरी, यानी कि अगर तुम लोग ड्रग को खोजना चाहते हो तो वहां पे फार्माकोग्नोसी का स्कोप है, पढ़िए फार्माकोग्नोसी को, उससे हेल्प मिलेगी नए ड्रग्स को खोजने में, ठीक है। एंड डेवलपमेंट बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। अब चाहो तो ये लाइन को यहां खत्म कर सकते हो, हो गया एक पॉइंट हमारा, अब आगे कर रहा है नहीं खत्म करना, आगे पढ़ लेते हैं। नए ड्रग की खोज और डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए। फार्माकोग्नोसी हैज गिवन मैनी लीड्स फॉर न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, कह रहा है फार्माकोग्नोसी लीड देती है, एक इशारा करती है, बताती है कि देखो हाँ ये नया ड्रग है और उसका डेवलपमेंट ऐसे होगा, ठीक है, स्कोप आ गया इसका ये। आगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑब्वियस सी बात है, फार्माकोग्नोसिस से हमें पता चलता है कि किस प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल है, और मॉडर्न मेडिसिन में जो हम लोग केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आपस में लिंक को एस्टेब्लिश करता है, तो कहीं ना कहीं स्कोप है ये, इट इज पार्ट, इसको मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि लिंक करने का एक तरह काम हो गया, किसी को काम मिल सकता है भाई लिंकिंग सेट करो, तो जो बड़े बड़े आप जब जाएंगे जॉब के लिए तो फार्माकोग्नोसिस करने के बाद फार्माकोग्नोसिस्ट की बहुत सारी जॉब होती है ये, तो कहीं ना कहीं सारा स्कोप की बात हो रही है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इट इज पार्ट ऑफ मेडिसिन सिस्टम विच इज अफोर्डेबल एज वेल एज एसेसिबल टू कॉमन मैन, ठीक है, ओके, कह रहा है ये एक पार्ट है मेडिसिन सिस्टम का फार्माकोग्नोसिस विच इज अफोर्डेबल एज वेल एज एसेसिबल टू कॉमन मैन, एक आम इंसान तक इजिली पहुंच जाता है, एज ए पार्ट ऑफ इंटरग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इस पार्ट को यहां से हटा देंगे, यहां से लेके यहां तक कोई खास नहीं है तो इसको हम यहां से हटा देंगे, ठीक है। मेन क्या हो गया, एक लिंक है बिटवीन कितना मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिस्टम के बीच में, क्लियर हो गया। आगे कह रहा है एक पॉइंट यहां पे हम ऐड कर सकते हैं, एक पॉइंट इसको तीसरा पॉइंट का चाहो तो कर लेना, ठीक है। फार्माकोग्नोसी कैन हेल्प टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, ये जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उसको हेल्प इंक्रीज, उसका इफेक्टिव, उसकी एफिकेसी इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है। इट इज एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी पता है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एंड ऑल्सो फार्मास्यूटिक्स, इन सब के फार्माकोलॉजी, कोलॉजी पता है, नहीं पता होगा कोलॉजी होती है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग्स हमारे ऊपर क्या करती है, हमारी बॉडी ड्रग के ऊपर क्या असर करता है ना, हमने कोई ड्रग खाया तो उस ड्रग्स ने हमारी बॉडी पे क्या असर किया, फिर हमारी बॉडी ने उस ड्रग को तोड़कर हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया, हमारी बॉडी ने उसके ऊपर क्या असर किया, तो ये आती है फार्माकोलॉजी के अंदर। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, इन सबको क्या करती है, जोड़ती है ये, तो कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इट इज ऑल्सो ब्रिज फार्मास्यूटिक्स विद अदर फार्मेसी सब्जेक्ट, ये फार्मास्यूटिक्स को, फार्मास्यूटिक्स पता है ना क्या कर रहे हैं हम लोग, फार्मास्यूटिक्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स को और अदर फार्मेसी सब्जेक्ट को क्या करती है, लिंकअप करती है। मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज स्टिल यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट, आज भी लगभग 60% से ज्यादा जो दुनिया के लोग हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड, अपनी जो प्राइमरी जरूरतें हैं। फार्माकोग्नोसी कैन प्रोवाइड सेफ, ये क्या प्रोवाइड करता है, सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन विद मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के साथ कंबाइन होकर के ये सेफ और इफेक्टिव ड्रग्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फार्माकोग्नोसी इंक्लूड नॉलेज अबाउट सेफ यूज ऑफ हर्बल ड्रग, अब मान लो तुम्हें कोई चीज खानी है मेडिसिनल जो हर्बल है तो वो उसकी नॉलेज कहां से आएगी, फार्माकोग्नोसिस से आएगी, कि वो टॉक्सिक तो नहीं है,
उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इंट्रैक्शन कोई इंट्रैक्शन तो नहीं करेगा हमारी बॉडी में जाके, देयर बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इस तरीके से जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उसकी एफिकेसी बढ़ा देता है। हमको सब पता है कि ये ड्रग खाने से ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, कहाँ से पता चल रहा है? फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। ये किसकी वजह से हो पाया? फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल, हमें प्लांट्स के केमिकल की नॉलेज बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ी तेजी से उसकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है ना। और फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग, हम उसकी फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग भी कर लेते हैं। टेस्टिंग होती है, कोई ड्रग जब बनता है तो उसकी टेस्ट करते हैं हम लोग पहले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, चूहा है या खरगोश है, ठीक है ना, तो उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, बहुत फार्माकोलॉजी और मेडिसिन केमिस्ट्री इनका आपस में लिंकिंग कि अच्छा ये असर हो रहा है, ये मेडिसिन खाएंगे तो ये असर होगा, ये बड़ा इफेक्ट बड़ी तेजी से हमको लिंक करने को मिल जाता है, ठीक है। मेथड इन रिसेंट ईयर, हाल के दिनों में न्यू प्लांट ड्रग्स आर फाइंडिंग देयर वेज इनटू मेडिसिन। जो नए नए ड्रग्स मिलते हैं बड़ी जल्दी ही अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, रास्ता ढूंढने मतलब बड़ी जल्दी हम उसको मार्केट में ले आते हैं कि अच्छा ये ड्रग है, क्यों? क्योंकि हम उसकी फाइटोकेमिस्ट्री जान गए हैं, केमिकल क्या उसके अंदर, ठीक है। तो कह रहे हैं नए ड्रग्स जो होते हैं फाइंडिंग देयर वे इनटू मेडिसिन, बहुत जल्दी वो मेडिसिन के रूप में आ जाते हैं एज प्यूरिफाइड फाइटोकेमिकल्स, हम उसके अंदर केमिकल निकाल के प्योर कर लेते हैं रेदर देन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल गैलेनिकल प्रिपरेशन, बजाय इसके कि जो ट्रेडिशनल गैलेनिकल प्रिपरेशन जो पुरानी होती थी पुराने टाइम की है ना, काढ़ा आड़ा बना करके, वो ना हो करके हम लोग प्यूरिफाइड फाइटोकेमिकल्स उसके अंदर केमिकल निकाल करके मार्केट में मेडिसिन के रूप में अवेलेबल है। क्लियर है? आगे बोल रहा है फार्माकोग्नोसिस इज द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नोवल मेडिसिन। नोवल मतलब होता है बहुत अच्छी, मतलब मेडिसिन जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट सर्व एज प्रोटोटाइप और बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग विच आर मोर एक्टिव एंड लेस टॉक्सिक। कह रहा जो ड्रग हमको नेचुरल मिलते हैं ना वो बेस होते हैं किसका? डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग का, नए ड्रग्स का बेस है विच आर मोर एक्टिव, जो ज्यादा एक्टिव होते हैं और लेस टॉक्सिक होते हैं। यानी कोई केमिकल मिला किसी प्लांट के अंदर से, अब उसके साथ उसके अंदर कई और भी केमिकल होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उसके अंदर से उस प्योर केमिकल को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, एक नया ड्रग तैयार करेंगे जो ज्यादा एक्टिव होगा और उसकी टॉक्सिसिटी लेस हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, बाय मींस ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी की वजह से नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन बी डिस्पेंस, जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिस्पेंस करने का मतलब है मरीज को दे सकते हैं, फॉर्मुलेट, उसका फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, एंड मैन्युफैक्चर्ड इन डोजेस फॉर्म एक्सेप्टेबल टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आजकल देखा है ना, टैबलेट्स आ रही हैं, जो पतंजलि में टैबलेट्स आ रही हैं, हिमालय ब्रांड है उसकी बड़ी टैबलेट्स आती हैं, बैद्यनाथ के अंदर कुछ टैबलेट्स आ रही हैं, सब आयुर्वेदिक टैबलेट हैं, लेकिन सबके सब क्या है? आयुर्वेदिक टैबलेट। तो कह रहा है नेचुरल प्रोडक्ट कैन बी डिस्पेंस्ड, टैबलेट के रूप में हम डिस्पेंस कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन उसका हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं। आजकल देखा एक के अंदर जैसे कि मान लो कोई टैबलेट है तो आयुर्वेदिक, उसके अंदर कई सारे केमिकल्स, कई सारे आयुर्वेदिक केमिकल मिलाकर के टैबलेट बनाई जा रही है फॉर्मुलेशन में, मैन्युफैक्चर्ड इन डोजेस फॉर्म, उसको डोजेस फॉर्म में ले आए, दो टैबलेट खाओ दिन में चार बार, तो पत्ते खाने जरूरत नहीं है, उसे टैबलेट के रूप में खा रहे हैं उसे, ठीक है ना। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? फार्माकोग्नोसी की वजह से। देर आर वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज विच आर नॉट स्टडीज सिस्टमेटिकली, ठीक है, कई सारे प्लांट्स और एनिमल है जिसको हम लोग सिस्टमेटिकली स्टडीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, ये लाइन मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई है। इसको हटा देना पॉइंट, ये लाइन कुछ कहना नहीं रहा, ठीक है। बाय मींस ऑफ, तो ये बात समझ में आई कि फार्माकोग्नोसी का रोल यहाँ पे भी आ गया भाई, जिसको ज्ञान होगा फार्माकोग्नोसी को उसी को तो बैद्यनाथ और हिमालय जैसी पतंजलि जैसी कंपनियों में काम मिलेगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी आल्सो लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ बॉटनी। जो फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किसका कर रहा है? बॉटनी का, टैक्सोनॉमी का, जिससे हम नॉर्मल किचन वगैरह करते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, प्लांट जेनेटिक्स का, प्लांट पैथोलॉजी, फार्मास्यूटिक, फार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। मतलब अल्टीमेटली फार्माकोग्नोसी है तो उसकी वजह से ये सारी ब्रांचेस और कुछ और ब्रांचेस है जिनके डेवलपमेंट और अच्छे से हो पा रहा है। तो देखा कितनी ज्यादा जगहों पर फार्माकोग्नोसी का इस्तेमाल है, बहुत स्कोप है इसका, ठीक है। इसको पढ़ेंगे डी फार्म, फिर बी फार्म, फिर एम फार्म करते हैं, फिर रिसर्च करेंगे, आप प्रॉपर फार्माकोग्नोसिस्ट बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है लाइफ में। ऐसा नहीं कि इसके बिना लाइफ में स्कोप नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है, थोड़ी पढ़ाई लंबी है बट स्कोप अच्छे हैं काफी, बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारे पास स्कोप और आज का स्टेटस कि किस तरह से फार्माकोग्नोसी हमारे आज के प्रेजेंट सिनेरियो में पूरी तरीके से घुसती चली जा रही है और काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल भी है। क्लियर है?
तो ठीक है, जैसा मैंने कहा था इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पूरे चैप्टर वन और सॉरी लेक्चर वन और लेक्चर टू के, तो नोट्स को डिस्क्रिप्शन से निकाल लेना और पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट।